बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया था सेबोरिक डर्मेटाइटिस का, आज उसी की कंटिन्यूशन हम आगे करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हमने उसको दो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। सीबम मैंने आपको बताया था कि ऑयल और सिक्रीशन को कहते हैं जो कि बॉडी में या स्कैल्प में या सर में जो ऑयल निकलता है उसको, तो इसी से हमारे पास है सेबोरिक और एलोपेशिया। हम हमेशा जो बाल गिर जाते हैं हेयर लॉस को कहते हैं। सो सेबोरिक एलोपेशिया जो है ये प्री मेच्योर हेयर लॉस है, लाइक मेल पर्सन्स में 20 to 30 ईयर्स का जो स्पैन है ना, मीन्स के फ्रॉम 20 ईयर्स ऑफ एज टिल 30-10 ईयर्स का, उसमें उनके प्री मेच्योर बाल गिर जाते हैं इस वजह से, इस डेंड्रफ की वजह से या सेबोरिक डर्मेटाइटिस जिसे कहते हैं, तो इसको हम सेबोरिक एलोपेशिया कहते हैं। इसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस ना सीबम बनना शुरू हो जाता है, लाइक मेल्स में और समटाइम फीमेल्स में भी, मगर इस वक्त हम ज़्यादातर मेल की बात कर रहे हैं क्योंकि इसका ताल्लुक है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब उसमें दो चीज़ों की इम्बैलेंस हो जाती है, या तो एक एंजाइम होता है 5-अल्फा रिडक्टेज हम उसे कहते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है उसको डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन DHT एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, या तो उसका इम्बैलेंस हो जाएगा या तो फिर जो है हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाएगा, जो कि इनडायरेक्टली फिर उसी एंजाइम की वजह से ही होता है। अब मैं एक छोटा सा आपको एक पहले थोड़ी सी बात एक्सप्लेन कर दूँ कि बोथ जेंडर्स इन मेल एंड फीमेल में जो एंजाइम की क्वांटिटी कह लें या एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है इन टेम्पल्स फ्रंटल एरिया एंड क्राउन एरिया में एज़ कम्पेयर टू पैरिटल एंड द ऑक्सीपिटल बैक ऑफ द हेड पे। लेकिन एक चीज़ होती है रिसेप्टर्स, कि इन हार्मोन्स को एक्ट करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स चाहिए होते हैं जिसके ज़रिए वो मूव करते हैं और एक्ट करते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली मेल में बहुत ज़्यादा हैं और फीमेल में कम हैं। यही वजह है कि फीमेल में जो जेनेटिक पैटर्न आता है ना, जिसे हम जेनेटिक एलोपेशिया मेल पैटर्न बाल्डनेस कह रहे हैं, जो कि हेरिडिटी या की तरफ मतलब ख़ानदानी या मारूसी आम जबान में कहते हैं वारा होता है, वो फीमेल में कम है मेल में ज़्यादा है। अब अगर इन दोनों चीज़ों का इम्बेलेंस हो जाएगा किसी भी वजह से, तो इनडायरेक्टली क्या होगा कि बाल गिरेंगे। अब एक बहुत कॉमन सी और बहुत आसान सी बात मैं आपको समझा दूँ कि अगर एंजाइम्स और हार्मोन्स का इम्बेलेंस होगा तो ऑब्वियसली वो बाल भी गिराएगा, क्योंकि वो जेनेटिक मेल पैटर्न बाल्डनेस की तरफ चला जाएगा, और जिनको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होगी ऑब्वियसली उन्हीं का एंजाइम इम्बेलेंस है और उन्हीं का हार्मोन भी इम्बेलेंस है, और फिर जब ये इम्बेलेंस होंगे तो सीबम की सिक्रीशन भी बहुत ज़्यादा होगी, तो सीबम सिक्रीट होने की वजह से फिर बाल गिरेंगे। ये एक वाइस वर्सा है, सीबम की एक सिक्रीशन बाल गिरा रही है किस तरह, और बाल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो जीन्स में आ रहा है वो किस तरह उसको काउंटरैक्ट कर रहा है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साइमल्टेनियस चलती हैं और वाइस वर्सा होती हैं, और उन्हीं पेशेंट्स में होती हैं जहाँ पर यह इम्बेलेंस और रिसेप्टर ज़्यादा हैं, और चूँकि मेल में ज़्यादा है तो मेल में ये वाला जो है ना पैटर्न ज़्यादा है। तो अब हम ये आराम से कह सकते हैं कि मोस्टली जो है वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो है वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस के साथ रिलेटेड है टू सम एक्सटेंट, कहीं ना कहीं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरा बात ये है, हम जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि सीबम की कंपोजिशन क्या है, यानी कि सीबम में क्या चीज़ है जो कि बाल गिराने के लिए इफ़ेक्टिव है, बाल गिराने के लिए जो है वो इफ़ेक्टिव इन द सेंस कि क्या चीज़ है जो बाल गिरा रही है। इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, और स्फिंगोसिन, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि साइंटिफिक लैंग्वेज है, और इसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अब क्या होता है कि समटाइम्स जो ये स्फिंगोसिन है इसका लेवल अगर ऑल्टर्ड हो जाए, स्फिंगोसिन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बैक्टीरियल प्रोलीफरेशन को प्रिवेंट करता है, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता, यानी कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, ये कह सकते हैं बैक्टीरिया को मार देता है, किल कर देता है, जो भी आप समझ लें। अब अगर ये ऑल्टर्ड हो जाएगा तो हम इजीली समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया आ जाएंगे, और जब बैक्टीरिया आ जाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, और फिर जब इन्फेक्शन होगा तो बाल गिरेंगे। सो दिस इज़ द रीज़न। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर इनिशियल स्टेज है डर्मेटाइटिस की, इनिशियली स्टेज है डेंड्रफ होने की, तो आप के जो हेयर लॉस है वो टेम्परेरी है, यानी कि वो इलाज से वापस आ सकता है, और अगर वो इलाज से वापस आ जाता है और आपका डॉक्टर सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन अगर यही डिज़ीज़ क्रॉनिक हो जाती है तो फिर इसका ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और हेयर ट्रांसप्लांट तो बहुत दूर की बात है, पहले तो ट्रीटमेंट ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है।
सो आज मैं आपको एक चीज़ फिर फोकस करते जाऊँ। मैंने अभी शुरू में बात की है कि ये अर्ली प्री मेच्योर जो है ना हेयर लॉस हो गया है, और वो किस वजह से हो गया, इसी सीबम और सेबोरिक एलोपेशिया की वजह से, सेबोरिक डर्मेटाइटिस ने सेबोरिक एलोपेशिया कर दिया। तो आपको एज सून एज पॉसिबल जब पता चल जाए कि आपके सर में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके बाल जो हैं वो एज से पहले बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, चाहे आपका ख़ानदानी मसला है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है, आप अपने डॉक्टर से प्लीज़ कंसल्ट कर लें, प्लीज़ कंसल्ट कर लें। उसके दो रीज़न हैं। एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है जिसको डॉक्टर ने कंट्रोल करके देना है आपको, वो आपको मेडिसिन बताएगा तो आपका जो प्रोसेस है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा के लिए रुक जाएगा, लेकिन प्रोलॉन्ग हो जाएगा। और प्रोलॉन्ग होने से ये फ़ायदा होता है कि बाद में उसको ट्रीट करना, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट से ट्रीट करें, मेडिसिन ट्रीट करें, वो डॉक्टर के लिए बहुत आसान है। दूसरा, अगर आपकी डैंड्रफ वक्त पर पकड़ी जाएगी तो वो ट्रीट हो जाएगी, अगर वक्त आपने गुजार दिया तो दोनों चीज़ें प्लस होके स्किन को इतना डैमेज कर देते हैं कि ना सिर्फ बाल गिर जाते हैं बल्कि स्किन भी इतनी ख़राब हो जाती है कि उस पर हेयर ट्रांसप्लांट रुकता ही नहीं, वो फिर बार 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 जो है ना हैपनिंग होती रहेगी। सो एज सून एज पॉसिबल डॉक्टर के पास जाएँ, अच्छे मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका ट्रीटमेंट ले लें, ठीक है, ना कि देर हो जाए। एक और इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा सवाल है कि कोई विटामिन्स हैं जो इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से ये हो सकता है, बायोटीन की डेफिशिएंसी से ये हो सकता है, और जिंक की डेफिशिएंसी से ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी हो सकता है, और ये सारा कुछ कोरिलेटेड होता है एक दूसरे से। हेयर फॉल ज़्यादातर मैं कह सकती हूँ कि हेयर फॉल इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, सो इन विटामिन्स को भी अपनी डाइट में ऐड कर लें, चाहे नेचुरली कर लें, चाहे डॉक्टर के मशवरे से सप्लीमेंट्स ले लें। शैम्पूज़ की मैंने पहले भी बात की हुई है, हमारे पास जो मेडिकेटेड शैम्पूज़ हैं उसमें कीटाकोनाजोल के शैम्पू बहुत हैं, कोलटार के हैं, सिलिनियम सल्फाइड के हैं, और जिंक पायाथिरोन के हैं। जो ZP11 के नाम से एक शैम्पू आता है जो मैंने अपने बचपन में भी देखा हुआ है, यानी इतना पुराना सा ये सॉल्ट है और इतनी पुरानी मेडिकेटेड चीज़ है, तो ये डॉक्टर के मशवरे से और एंटी फंगल क्रीम इस्तेमाल करने से आप फंगल अगर हेयर लॉस है या सेबोरिक डर्मेटाइटिस है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फंगस में जो मेनली जीन्स हैं जो फंगस की आती हैं वो मेलेसीजिया फर्फर है और एक मेलेसीजिया ग्लोबोजा है, जो कि मोस्टली ये वाली जो डिज़ीज़ है ये कर रहे हैं, तो वो डॉक्टर ही आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बता सकता है। मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बताया, मैंने हार्मोनल इम्बेलेंस की बात की, मैंने मेल जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की बात की, मैंने बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बात की, मैंने सीबम की कंपोजिशन आपको बता दी। इस सारे सिनेरियो का मकसद ये है कि आपके जहन में आ जाए कि ये एक लाइक अलार्मिंग डिज़ीज़ है, आपके लिए बहुत चैलेंजिंग डिज़ीज़ है, डॉक्टर के लिए भी। शुरू में बहुत हल्का लग रहा होता है लेकिन बाद में ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिज़ास्टर यानी कि आपके लिए क्रिएट करता है, आपको ना सिर्फ बाल्ड करता है बल्कि स्किन को इतना ड्राई इतना डैमेज कर देता है कि लुक में भी अगर आप बाल ना भी लगवाएं तो लुक में भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा होता, स्किन बहुत हार्ड लग रही होती है। सो प्लीज़ अपने अच्छे किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है उसके ऊपर अमल करें, और अगर आप इस्लामाबाद टेरिटरी में तो हमारे पास आएँ, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स भी मिलेंगे और ट्रीटमेंट भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।